हेलो, सभी बच्चों के लिए आज का गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक में पोएट्री के भाग को प्रारंभ करते हैं, और जिसमें पहला जो पोएम है वो रिस्क। पहले पोएम, पहली कविता जो आपका लेसन है वो रिस्क से है। रिस्क का अर्थ होता है जोखिम। जोखिम तो इनके जो रिस्क पोएट्री है, रिस्क जो कविता है, इसके जो पोएट हैं, पोएट कवि जेनेट रैंड, इन्होंने रिस्क कविता को कंपोज किया है। कवि जेनेट रैंड ने अपनी इस पोएम के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को, या जो इस टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे, उनको जीवन के हर कार्य में, जीवन के हर क्षेत्र में जोखिम के बारे में बताया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट जेनेट, टू डिस्क्राइब दैट, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें जोखिम नहीं लेना पड़ता है। आदमी को छोटे छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े से कार्य जितने भी करने होते हैं उनमें जोखिम लेना पड़ता है। कवि जेनेट ने यहां तक कहा है कि जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, यदि उसमें जोखिम नहीं लिए जाए तो वो जीवन सबसे बड़ा खतरा है। जीवन का सबसे बड़ा जो खतरा है, जीवन का जो सबसे बड़ा संकट है, और वह है जोखिम नहीं लेना। इसलिए बच्चों, हमें इस कविता के माध्यम से कवि जेनेट रैंड ने जो प्रकट करने की कोशिश की है वो यही है कि जीवन में कभी संकटों से, मुसीबतों से, आफतों से दूर नहीं भागें और ना ही उनसे दूर जाएं। हमें हमेशा उनका मुकाबला और उनका सामना बड़े धैर्य से ही करना चाहिए। तो कवि ने अपनी जो पहली चार लाइनें व्यक्त की हैं उनके माध्यम से देखो कवि जेनेट किस प्रकार से विद्यार्थी को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कवि जेनेट रैंड ने अपनी इस रिस्क कविता की प्रथम फोर लाइन्स आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर जो रहस्य उद्घाटन करती हैं कि मनुष्य अपने जीवन में छोटे से छोटे काम को लेकर के बड़े से बड़े कार्य करता है तो उसे किसी ना किसी प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़ता है, कोई ना कोई से रिस्क लेना पड़ता है। जैसे फर्स्ट जो लाइन है, इसमें फर्स्ट स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है वो बता रहा है, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। टू लाफ मीन्स होता है हंसना, लाफ मीन्स होता है हंसना, लाफ इज होता है हंसना। तो लाफ इज टू रिस्क, हंसने में जोखिम लेना है। पहली जो पंक्ति है, फर्स्ट जो लाइन है पहले स्टेंजा की, उसमें कवि जेनेट बता रहे हैं टू लाफ इज टू रिस्क, हंसने में जोखिम है, हंसने में जोखिम उठाना है। अपीयरिंग द फूल, मूर्खता प्रकट करने का, मूर्ख बनने का। तो पहली पंक्ति बता रही है यदि हम हंसते हैं तो हमें उसमें मूर्ख बनने का जोखिम लेना पड़ता है। लोग हमें मूर्ख समझते हैं, यदि हम बेवजह वैसे हंसते हैं तो लोग हमें मूर्ख समझते हैं कि कितना मूर्ख है व्यक्ति। दूसरी सेकंड जो पंक्ति है वो बता रही है, टू बीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। टू बीप, बीप मींस होता है रोना, टू बीप रोना। तो रोने में इज टू रिस्क जोखिम है, रोने में जोखिम है। अपीयरिंग सेंटिमेंटल, भावुक बनने का, सेंटिमेंटल का होता है भावुक होना, भावनाओं में खो जाना, भावुक होना। सेंटिमेंटल मीन्स भावुक। तो रोने में भावुक बनने का जोखिम होता है यदि मनुष्य किसी भी दुख को लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के साथ खेल करके रोता है तो उसमें भावुक होने का जोखिम होता है। इसी क्रम में तीसरी जो पंक्ति है कवि ने उसमें प्रकट किया है, टू रीच
आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। ये देखो यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं टू रीच आउट, तो रीच आउट एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं आपके पाठ्यक्रम में पहले हमने पढ़ाया है और पुनः इसकी अब आवश्यकता पड़े थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो रीच आउट एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जब कोई भी वर्ब जिसको मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इसको प्रीपोजिशनल वर्ब भी कहते हैं। जब दोनों मिलकर के एक अर्थ प्रकट करते हैं तो फ्रेजल वर्ब जो है ये हमारे अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनमें अधिकांश विद्यार्थी कमजोर हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि फ्रेजल वर्ब जो बनता है वो मेन वर्ब से बनता है और किसी मेन वर्ब के साथ जब कोई प्रीपोजिशन लग जाता है तो वह क्रिया अपना मूल अर्थ छोड़ करके एक दूसरा अर्थ प्रदान करती है। जैसे यहां हम रीच लिखा हुआ है तो रीच मींस होता है पहुंचना, ये तो आपकी मेन वर्ब का मूल अर्थ हो गया, लेकिन आउट प्रीपोजिशन है इसलिए रीच आउट का होता है जरूरतमंद लोगों की सहायता करना। रीच आउट मींस होता है जरूरतमंद लोगों की मदद करना। तो फ्रेजल वर्ब का अध्ययन भी आपको हम कराएंगे अगले वीडियोस में। तो रीच आउट जरूरतमंद लोगों की मदद करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, ये इसका अर्थ है। फॉर अनदर दूसरे व्यक्ति, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करने में इस टू रिस्क जोखिम है इन्वॉल्वमेंट संलिप्त होने का। इन्वॉल्वमेंट का होता है संलिप्त, संलिप्त होना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में संलिप्त होने का जोखिम होता है। बच्चों संलिप्त का मतलब होता है दूसरे में घुलना मिलना, इनकी तो कोई मिली भगत ही है, बिना किसी लालच के ये मदद नहीं कर सकता। तो हर इंसान हर व्यक्ति को जीवन में इन रिस्क इन जोखिमों का सामना करना पड़ता है। तो तीसरी पंक्ति में कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो ऐसा रिस्क है ऐसा जोखिम है कि जो हर व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है, किसी आवश्यक नीडी व्यक्ति की जरूरतमंद व्यक्ति की जब मदद करनी होती है तो उसमें संलिप्त होने का जोखिम होता है। अगली पंक्ति में टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग्स, भावनाओं को प्रकट करने में, एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट करना दिखाना, प्रकट करना, एक्सपोज मीन्स होता है प्रकट करना, फीलिंग्स मीन्स भावनाएं, भावनाओं को प्रकट करने में इस टू रिस्क जोखिम होता है एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने वास्तविक रूप को प्रकट करने का। ट्रू सेल्फ असली रूप, वास्तविक रूप, अपनी भावनाओं को प्रकट करने में अपने असली रूप को प्रकट करने का जोखिम होता है। टू प्लेस अंतिम जो पंक्ति है प्रथम स्टेंजा की, फर्स्ट स्टेंजा की पहली जो आप देख लो लास्ट पंक्ति है वो इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी ज्ञान की है कि हमें अपनी जीवन में उतार लेनी चाहिए। जो मैं आपको इस पंक्ति से पहले बता रहा हूं कि हमें अपने विचार, अपने स्वप्न, अपनी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की इच्छा होती है, हमें वह कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कवि ने कितने अच्छे सुंदर शब्दों में यहां आपको समझाने का प्रयास किया है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, प्लेस का मतलब ऐसे बेटा स्थान होता है, लेकिन प्लेस में जो रखना, प्रस्तुत करना, वर्ब के रूप में प्लेस का होता है प्रस्तुत करना, रखना। प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, विचारों और सपनों को रखने में, प्रस्तुत करने में, आइडियाज का होता है विचार, विचारों मतों ड्रीम सपनों को बिफोर के सामने, बिफोर का होता है के सामने,
टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, विचारों और स्वप्नों को प्रस्तुत करने में बिफोर क्राउड, जनता के सामने, लोगों के सामने, इस टू रिस्क है, जोखिम है, बीइंग कार्ड नेव, अनुभवहीन कहलाए जाने का, नौसिखिया नेव, अनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन जिसको नौसिखिया भी कहते हैं, नौसिखिया, नया नया जानकार, जिसको किसी भी क्षेत्र में अनुभव नहीं होता है, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, उसको बोलते हैं नेव। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। भीड़ के सामने, जनता के सामने अपने विचारों और स्वप्नों को प्रस्तुत करने में इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, अनुभवहीन कहलाए जाने का जोखिम होता है। तो कवि ने यहां, कवि जेने ट्रेंड जो है, उन्होंने यहां पहली अपनी रिस्क कविता की चार पंक्तियों में यह प्रस्तुत किया है कि मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। अब देखो, सबसे छोटा कार्य होता है हंसना है, रोना है, जब इन कार्य छोटे छोटे कार्य में हमको किसी ना किसी प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़ता है। तो कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपको ये विचार प्रस्तुत किए हैं कि हमें कभी जोखिमों से नहीं भागना चाहिए, हमें मुसीबतों से डटकर मुकाबला करना चाहिए, और जो मनुष्य जोखिमों से दूर भागते हैं वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं, ना कुछ सुनते हैं, ना कुछ समझते हैं, ना सीखते हैं, ना विकास करते हैं, ना वृद्धि करते हैं, जिसको विज्ञान की भाषा में निर्जीव कहते हैं, लिस्टलेस या लाइफलेस। बच्चों, इन्हीं चार पंक्तियों का एक क्वेश्चन आता है आपको, एक्सप्लेनेशन, एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको अंग्रेजी में व्याख्या करनी होती है। तो व्याख्या के जो चरण है, एक्सप्लेनेशन जो चरण है वो ये है। पहला चरण होता है रेफरेंस, रेफरेंस जिसको कहते हैं संदर्भ हिंदी में, रेफरेंस। दूसरा चरण होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट जिसको कहते हैं प्रसंग। और तीसरा चरण होता है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इन चारों पंक्तियों की हमें अपने शब्दों में सेंटेंस निर्माण करके और उसकी व्याख्या करनी होती है। तो अगले वीडियो में हम आपको इससे संबंधित एक व्याख्या कल आपको कराएंगे इसी की। सभी बच्चों को इसके अर्थ को ठीक प्रकार से याद करना है, अच्छे से इसकी मीनिंग को याद करना है, और कल आपको इसकी वीडियोस में हम आपको जो दूसरा वीडियो प्रस्तुत करेंगे उसमें इसकी व्याख्या आपको हमें प्रस्तुत करनी है। सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में इनको उतारें, याद करें, मीनिंग याद करनी है, स्पेलिंग्स याद करनी है। आज का वीडियो जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, यदि आपको पसंद आया हो सही बच्चे इसको सब्सक्राइब करें। कल भी आपको बताया था, हर वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे जब भी विद्यालय से किसी भी विषय का वीडियो जारी किया जाए तो वो सबसे पहले आपके मोबाइल के पर विद्यालय का जो यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।